अम्बाला कैंट के लाल कुर्ती पुलिस चौकी में खड़ी ये वही बोलेरो गाड़ी है जिसने एक मासूम बच्चे से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए छीन लिया है। इस गाड़ी का ड्राइवर अपने एक दोस्त को रात में गाड़ी सिखा रहा था कि वो दोस्त इस गाड़ी को बाजार की ओर ले आया, जिससे सबसे पहले वह गाड़ी ने साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मारकर घायल किया और लोगों से बचने के चक्कर में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे पैदल जा रही एक निशा नामक महिला को पीछे से टक्कर मारी जिससे उसकी मौत हो गई और उसका 10 वर्षीय बेटा हरिओम घायल हो गया। घायल साइकिल सवार मनोज ने बताया कि वह राय मार्केट में जा रहा था कि बोलेरो ने पहले से टक्कर मारी, फिर बच्चे के टक्कर मारकर एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गया। कुमार जी, मैं वहाँ से मोटर मार्केट से आ रहा था तो पेट्रोल पंप के सामने इन्होंने मेरे साइकिल पे बैक मारी और मैं साइकिल पे गिरता हुआ पड़दी साइड गया। फिर इन्होंने बच्चे के साइड लगी इतनी देर में लेडीज़ के ऊपर से चढ़ा दिया आगे जाके। फिर इन्होंने गाड़ी पलटी। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर 4 लोग थे जी, पतली साइड, बाकी तो 2 भाग गए, 2 उन्होंने निकाल दिए। एसपी ने बताया कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला व बच्चे को टक्कर मारी और बाद में एक साइकिल सवार घायल किया। उन्होंने कहा बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बनती कार्रवाई की जाएगी। तो पीसीआर हमारी यहाँ गोल चक्कर पे थी, पीसीआर 6, इन्फॉर्मेशन मिली भाई इस तरह एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट है भाई, बोलेरो थी एक जो तेज स्पीड से आ रही थी बाजार की तरफ से, राय मार्केट की तरफ से, उसने पहले एक लेडीज और बच्चे को इंजर्ड कराया, फिर आगे जाके एक साइकिल को मारा। साइकिल को मारने के बावजूद आगे एकदम से बोर्ड में लगा फुटपाथ से लग के ने और वो पलट गई। उस समय से भी जो चलाने वाला था कौन था उसमें जो इंजर्ड था एक हमने बोलेरो से वो भी हॉस्पिटल भिजवाया और जिन लेडीज को और उनको चोट लगी थी वो भी हॉस्पिटल भिजवाई, जिसमें लेडीज की यहाँ पहुँचने के बावजूद मौत होगी, बच्चा जो है वो सुरक्षित है, ठीक ठाक है। अम्बाला से आजाद टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।